इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, इंडियन टीवी की सबसे बड़ी खोज जो है आज, जो हमारे देश में पूर्व में जो हमें भी पता नहीं है, जो 1964 ईस्वी में, मतलब भारत देश आजाद होने के बाद 1964 ईस्वी में जो 50 पैसे का सिक्का भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया गया था, चलाया गया था, छापा गया था, वह सिक्का आज हमें एक आम व्यक्ति जो कि क्या करते हैं ये तो अभी हमें नहीं पता, अब जानेंगे हम उनसे जो वो क्या करते हैं, लेकिन उनके हाथों में 1964 का सिक्का मिला। अब आइए हम जानते हैं इनसे जो 1964 का सिक्का इनके पास से कैसे आया। हम अभी बिहार के सुपौल जिला में हैं और आइए हम जानते हैं इन महानुभव से जो ये सिक्का इनके पास में कब से आया और कैसे। आपका नाम पहले हमारे चैनल को बताइए। राव जी, आपका घर कहाँ है? सुपौल में। कितने नंबर वार्ड नंबर 14। तो कुसुम लाल जी, ये हमारे दर्शक को आप दिखाइए अपने हाथ से सिक्का, कैमरा में दिखाइए, कैमरा में। ये जो सिक्का है, आप कैमरामैन इधर आइए, थोड़ा सिक्का को जूम करके दिखाइए, सिक्का को दिखाइए, सिक्का को दिखाइए। 1964 का ये सिक्का है। ये कौन से धातु का बना है ये सिक्का, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा भी जन्म उस समय में नहीं हुआ था। तो मैं इस सिक्के को देख के, मैं खुद इस सिक्के को देख के इतिहास को समझ रहा हूँ, जो 1964 में भारत सरकार के द्वारा ये दर्भ का सिक्का चलाया गया था। अब जानते हैं ये क्या है, क्योंकि ये हमारे से उम्र में ज्यादा है, इनको इनकी नॉलेज ज्यादा होगी। जैसे कि आइए अब इनसे जानते हैं इन सिक्के की विवरण और विषय। अब ये बताइए, ये सिक्का आपके पास में कितने साल हो? मैंने आज मिला। हम आज मिला? आज मिला। कहाँ पे मिला? ये स्टेशन चौक पर मंदिर के पास खुदैया हो रहा था ना जी, तो वहाँ 10 फीट के नीचे के बाद ये सिक्का मिला। अच्छा, इनका कहने का मतलब है सुपौल स्टेशन का खुदैया का खुदाई हो रहा था, जहाँ से इनको ये सिक्का मिला जो 1964 का है। अब ये किस धातु की है ये तो हमें नहीं पता, आपको अब इनसे जानते हैं, तो इनको अगर ये पता हो, अंदाज हो ये किस धातु का है, तो ये हमें बताने का प्रयास करेंगे। आप ये हमें बता सकते हैं जो ये सिक्का किस धातु का बना होगा, क्योंकि आपको आपकी उम्र कितनी हो रही है पहले ये बताइए हमारे। तो मेरा उम्र यही रखिए ना, 45-44 वर्ष हो गया। 45-44 वर्ष। तो जिस समय में ये सिक्का आप लोगों के समय में बनता होगा, आप लोग जो देखे होंगे, हम लोग तो वो देखे नहीं, तो उस समय में किस धातु का सिक्का बनता था? मुझे तो पता नहीं ये कैसा धातु का बना हुआ, लेकिन इतना बात तो जरूर जानते हैं कि 50-60 वर्ष तो लोहे भी रहेंगे मट्टी के अंदर तो गल जाएंगे, स्टील भी गल जाएंगे। ये स्टील भी नहीं है ना लोहा है, ये तो मुझे पता नहीं ये कौन धातु का बना हुआ, लेकिन मुझे पता है ये कि ज़्यादा कीमती का धातु का हुआ था, तो इतना दिन मिट्टी के तले पड़ा हुआ था। ये कितने फीट नीचे में था? 10 फीट नीचे में। 10 फीट, मतलब इनका कहने का मतलब है अगर ये किसी धातु का नहीं रहता, किसी कीमती धातु का नहीं रहता, तो 10 फीट मिट्टी के नीचे रहने के बाद ये पैसा गल जाता, या तो सड़ जाता, या तो जंग लग जाता। ये तो अपने आप में एक कहीं ना कहीं सच्चाई की प्रमाण है, जो ये कोई ना कोई धातु की सिक्का 50 पैसे की 1964 ईस्वी में बनी हुई है। अब देखने वाली बात है, जो भारत सरकार या हमारे देश को कोई वैसे ही सोने का चिड़िया नहीं बोलते, हकीकत में हमारा भारत देश सोने का चिड़िया है, क्योंकि ऐसे ऐसे सोने
जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो कि ना तो भारत सरकार को अभी तक पता है ना किसी आम नागरिक को। जब ऐसे ऐसे 50 पैसे के सिक्के कभी 50 साल 60 साल 70 साल में निकलेंगे तो लोगों को सही में अनुभव होगा जो हमारा भारत देश सोने का चिड़िया था। अब बात इस पैसे की करें, अगर भारत सरकार ऐसे ही एक एक पैसे एक एक दर्ब को अगर इकट्ठा करना शुरू कर दे ऐसे इन व्यक्तियों को जिनको मिला है, इनके पास आकर के इन पैसे को अगर अपने पास में रखे, तो आने वाले समय में जो जनरेशन है वो इन पैसे को देख के अनुभव लगाएंगे जो हमारे देश में जब आज़ादी हुई थी तब ऐसे ही पैसे चलते थे। ये कहीं ना कहीं आने वाले हमारे जो बच्चे भविष्य में जो बच्चे बड़े होंगे या इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनेंगे वो कहीं ना कहीं इस म्यूजियम में जा करके इस पैसे को देख करके अनुभव लगाएंगे जो हमारे पूर्वज हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय में हमारे देश का ये सिक्का था। ये अष्ट धातु या जो भी धातु हो या जो भी हो ये धातु का सिक्का उस समय, ये तो मुझे भी नहीं पता किस धातु का है, लेकिन इनके अनुभव से ये धातु का ही बना हुआ है। मैं इंडियन टीवी न्यूज से विद्या शंकर ठाकुर, ब्यूरो की रिपोर्ट, सुपौल जिला। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।